अरे फ्रैंकलिन भैया, तुम भी मेरी शादी क्यों नहीं करवा देते? अबे यार चौप देख, मैं तेरी शादी नहीं करवा सकता क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अब ये सस्ते से टिकटॉक वाले आंसू लेकर मुझे मत दिखा। अरे फ्रैंकलिन भैया रुको, पहले पूरी बात तो सुन लो। अबे यार चौप देख, मुझे कुछ नहीं सुनना। और तेरा ये रोज का नाटक हो चुका है कि फ्रैंकलिन भैया मेरी शादी करवाओ। अबे यार चौप, तू इतनी दूर फ्रेश होने के लिए आता है ना, तो तू सबसे पहले फ्रेश होके आ, तभी मैं तुझसे बात करूंगा, वरना मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। फ्रैंकलिन भैया पहले तुम मेरी पूरी बात तो सुन लो, ये बात तुम्हारे भी फायदे की है। पक्का? सच में? क्या ये बात मेरे भी फायदे की है? अरे फ्रैंकलिन भैया और नहीं तो क्या। तो अब बस जल्दी से बता दे, वेट नहीं हो रहा है। तो फिर जहाँ पर मैं कहता हूँ गाड़ी को वहीं पर ही लेकर चलो फ्रैंकलिन भैया। चल ठीक है, फिर बैठते हैं गाड़ी में। और इस बात में अगर मेरा फायदा ना हुआ ना, फिर तो तुझे पता ही है मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया यार, तुम तो गाड़ी के अंदर बैठने से पहले डरा रहे हो। चल चुप हो जा, तू ये सब छोड़। अब ये बता हमें जाना कहाँ पर है। अरे फ्रैंकलिन भैया, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर मेरी एक गर्लफ्रेंड रहती है, तो तुम वहाँ पर जाकर उसके मालिक से बात करो ना मेरी शादी के बारे में। अबे साले चौप, तू ये बात मुझसे पहले भी तो बता सकता था। फ्रैंकलिन भैया, मेरी गर्लफ्रेंड की मालकिन के पास बहुत पैसा है, तो तुम उससे जाके मेरी शादी के बारे में बात करो ना। अगर उसकी मालकिन मान गई तो तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा फ्रैंकलिन भैया, तुम अमीर हो जाओगे। क्या सच में चौप में अमीर हो जाऊंगा? फिर तो यार मजे आ जाएंगे। अब बस तू ये बता दे मुझे जाना कहाँ पर है। देखो फ्रैंकलिन भैया, इसी पार्क में मेरी गर्लफ्रेंड अपनी मालकिन के साथ बैठी हुई है, तो तुम उससे जाकर मेरी शादी के बारे में बात करो ना। अगर वो मान गई फिर तो दोनों के मजे मजे आ जाएंगे। अरे मुझे तो अभी तक भी नहीं दिखाई दी वो, लेकिन है कहाँ पर? अरे फ्रैंकलिन भैया बिल्कुल अपने सामने देखो, यही है वो। अच्छा तो ये है तेरी गर्लफ्रेंड, और इसकी मालकिन तो यार बहुत ज्यादा अमीर लग रही है मुझे, तो मैं इससे तेरी शादी के बारे में बात करता हूँ। हेलो मैम, व्हाट्सअप। अरे सुन तो लो मैम, मैं तुमसे शादी के बारे में बात करने के लिए आया हूँ, अपनी नहीं मेरे इस चौप कुत्ते के बारे में। अच्छा तो तुम इस कुत्ते की शादी के बारे में बात कर रहे हो, माफ कीजिएगा मुझे अभी शादी नहीं करनी है इसकी। अरे मैम तुम अपनी कुत्ते की शादी मेरे चौप से कर दो ना, वो इसको एकदम खुश रखेगा, बहुत अच्छा है चौप। अरे आपको समझ में नहीं आता है क्या, मुझे अपने कुत्ते की शादी अभी नहीं करनी है। अरे मैं अपने चौप की गारंटी खुद लेता हूँ, वो इसको एकदम खुश रखेगा। अरे हमारी कुतिया बुड्ढी हो चुकी है, लेकिन तूने अभी तक उसकी शादी नहीं की है, जल्दी से कर दे बेवकूफ उसकी शादी, और हमारे घर में आग लग गई है उसको छोड़ के जल्दी से। अरे मेरे घर में आग लग गई है, मैं इस कुतिया को कहाँ पर रखूंगी, तुम ही इस कुतिया को अपने घर ले जाओ। चल भाई चौप, तेरी शादी का काम बिल्कुल फ्री में हो गया। अब एक काम करते हैं, इस कुतिया को सीधा घर लेकर चलते हैं। आजा फटाफट से गाड़ी के अंदर बिठा ले इसको, आज जल्दी बैठ फटाफट से गाड़ी के अंदर और इसको घर लेकर चलते हैं, फिर तेरी शादी करवाएंगे। अबे यार ये तो अंदर ही नहीं आ रही भाई, ये तो गाड़ी के अंदर ही नहीं आ रही। अबे भाई इसको क्या हो गया? ओ अच्छा भाई, इस गाड़ी के अंदर जगह ही नहीं है, ये बैठेगी कहाँ से? तो एक काम करता हूँ, मेरे पास एक आइडिया है, तुम दोनों को बिठाने का ना गाड़ी के अंदर, एक आइडिया है, देखो अभी रुको। A few minutes later. हाँ भाई चौप, अब बता तू ये आइडिया कैसा रहेगा? तू तो बैठ गया गाड़ी के अंदर, और ये तेरी गर्लफ्रेंड इस गाड़ी के पीछे भाग भाग कर आएगी। अब देखो गाइस, सीएस की गर्लफ्रेंड इस गाड़ी के पीछे कैसे आ रही है भाग भाग कर। भाई ये तो सच में यार गाड़ी को फॉलो कर रही है, मुझे तो पता ही नहीं था भाई एक ही दिन में ये गाड़ी को फॉलो करने लग जाएगी। चलो कोई बात नहीं, इसको सीधा घर छोड़कर आते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया, शादी करने के लिए सामान भी तो चाहिए होगा। अबे हाँ यार सामान भी चाहिए होगा, अब मैं सामान कहाँ से लेके आऊंगा भाई, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। और तेरी वो गर्लफ्रेंड कहाँ पर रह गई, अभी तक आई नहीं? ओ गाइस देखो, इस चौप की गर्लफ्रेंड कैसे भागी भागी आ रही है भाई, आ चुकी है। ओ तेरी तो भाई अभी ये गाड़ी वाला इसको मार ही डालता, बट कोई बात नहीं गाइस, देखो यहाँ पर इसकी गर्लफ्रेंड आ चुकी है। अभी हमें काम करते हैं, सबसे पहले इसको घर तक छोड़ के आएंगे, एंड फिर इसको घर छोड़ने के बाद हम दोनों बाजार से शादी का सामान खरीद कर लेकर आएंगे। तो अभी फिलहाल मैं इसको जल्दी से जल्दी घर पहुंचा कर आता हूँ। A few minutes later. तो ओके गाइस, अभी फिलहाल मैं इस चौप की गर्लफ्रेंड को सीधा घर पर छोड़ कर आ गया, लेकिन यार अभी मेरे पास इस चौप की शादी का सामान लाने के लिए पैसे तो है ही नहीं। अब मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊंगा यार, मुझे यहाँ पर कोई ना कोई तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अरे फ्रैंकलिन भैया किसी गाड़ी की चोरी कर लो, ये वाला आइडिया एकदम बेस्ट रहेगा। तो देखो गाइस मेरा ये आइडिया है, ये जो चौप है ना, ये चौप इन बाकी के बंदों पर नजर रखेगा, और मैं यहाँ से वो ग्रीन वाली लग्जरी कार चोरी कर लूंगा, ठीक है? तो चौप तू इन सब पर यहाँ पर नजर रख, और इतना मैं वो ग्रीन वाली लग्जरी कार चोरी करके लेके आता हूँ, नजर रखते रहना तू इन सब के सब बंदों पर, ठीक है? कोई मेरी तरफ देखे ना। तो ओके गाइस सर, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने फाइनली ये ग्रीन कलर की लग्जरी कार चोरी कर ली है। अब भाई ये कार ना बहुत ज्यादा महंगी बिकने वाली है, और चौप की शादी का पूरा काम ही हो जाएगा। मतलब इसकी शादी में भाई जितना भी खर्च आएगा ना, वो सबका सब कुछ इसी कार में निकल जाएगा, ठीक है? तो अभी फिलहाल मुझे इस कार को सीधा बेचने के लिए जाना है। भाई साहब बच गई मेरी कार, वरना भी ये ठुक जाती और लेने के देने पड़ जाते। भाई साहब बच गई, अगर भाई साहब इस कार पर एक भी स्क्रैच आ गई ना, तो ये कार बहुत सस्ते में जाने वाली है। और अभी आप लोग इस कार की टॉप स्पीड देख रहे हो, भाई साहब कितनी ज्यादा तेज चल रही है, सारी कारों को पीछे छोड़ सकती है। भाई साहब मेरी कार के ऊपर स्क्रैच लग चुकी है, अब मुझे नहीं पता ये कार कितने पैसों में जाने वाली है। अबे यार चौप क्या कर रहा है तू, देख यार मेरी कार के ऊपर स्क्रैच
स्क्रैच लग चुकी है, मतलब मेरी नहीं है, मैंने चोरी की थी। लेकिन यार स्क्रैच तो स्क्रैच होती है, बट अब मैं इस कार को बहुत ही स्लो चलाऊंगा, ठीक है। स्पीड में तो मैं चलाऊंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ओ भाई साहब ये क्या हो गया, मेरी कार ब्लास्ट हो गई। चॉप चॉप कहाँ पर है तू? अरे कहाँ पर है चॉप तू? और ये मैं क्या बन गया? मैं तो हल्क बन गया, लेकिन चॉप कहाँ पर है? कहीं चॉप मर, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। चॉप कहाँ पर है तू मेरे भाई? यार जल्दी से तू मेरे सामने आ जा, तो तेरी शादी थी, वरना मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा, पूरे लॉस सैंटोस में तबाही मचा दूंगा जब तक मेरे भाई तू मेरे सामने नहीं आएगा। क्या पता भाई इसने चॉप को किडनैप किया हो। बता भाई चॉप कहाँ पर है? अबे बताना चॉप कहाँ पर है बता, वरना मैं तेरे को मार मार कर तेरा बहुत बुरा हाल कर दूंगा, तेरे को नहीं छोड़ूंगा मैं, तेरे को ऐसे पटक पटक कर मारूंगा मैं, बताना चॉप कहाँ पर है। गाइस यार ये सब के सब मेरे को चॉप के बारे में नहीं बता रहे हैं, अब मैं क्या करूँ यार, चॉप को कहाँ पर ढूंढूँ मैं? अरे यार मिल जाना यार चॉप, तो मिल जा। गाइस आप लोग यार यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास हल्के की इतनी ज़्यादा सुपर पावर्स आ चुकी हैं कि मैं किसी भी कार को कहीं पर भी उठाकर फेंक सकता हूँ। बट यार चॉप तो मेरे को नहीं पता कहाँ पर चला गया यार, उसको मुझे ढूंढना पड़ेगा यार। चॉप कहाँ पर है तू यार? मैं तेरे बिना नहीं रह सकता मेरा प्यारा चॉप, यार कहाँ पर है तू? मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा, निकलो बेटा बाहर, निकल तेरी ऐसी की तैसी कार से बाहर निकल, अब मैं इस कार को खुद ही चलाऊंगा। तो गाइस मैं ना यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब कुछ भी बन सकता हूँ, मेरे पास इतनी ज़्यादा सुपर पावर्स आ चुकी हैं, तो मैं काम करता हूँ अपने अंदर और सुपर पावर्स डालता हूँ। ओके यार थोड़ी और सुपर पावर्स डालने से मैं यहाँ पर और भी बड़ा हल्क बन गया, तो मैं इन सबको जब तक मारूंगा जब तक कि ये मुझे चॉप के बारे में नहीं बता देते। तो गाइस यार आप लोग प्लीज इस वीडियो को चॉप के लिए एक लाइक तो कर ही दो। ओके अभी मैं इन सब की यहाँ पर चटनी बना देता हूँ। बताओ मेरा चॉप कहाँ पर है? आज तो उसकी शादी थी, मैं उसकी गर्लफ्रेंड को उसके घर तक छोड़ कर आया था। तो गाइस यार यहाँ पर तो वो चॉप नहीं है। अभी मैं काम करता हूँ, रेड हल्क बनता हूँ और बीच पर जाता हूँ। तो मैं रेड हल्क भी बन गया, लेकिन अभी तक मुझे मेरा चॉप तो मिला ही नहीं। अरे भाई साहब क्या तुमने चॉप को देखा है? ये ले बता मेरा चॉप कहाँ पर है? तेरी ऐसी की तैसी तेरी धूल उतार दूंगा मैं, आज मेरा चॉप लगता है मर गया लगता है चॉप, मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये ले तेरे को उठा उठा कर पटकूंगा मैं, कोई नहीं बचेगा आज मेरे हाथों में से, अभी तेरे को मैं वहां पर फेंक कर मारता हूँ। ये ले निकल यहां से पहली फुर्सत में। तो गाइस ऐसी हल्क को लॉस सैंटोस में तबाही मचाते मचाते 100 साल बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक उसको चॉप नहीं मिलता है। चॉप क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि चॉप का वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था, चॉप की मौत उसी एक्सीडेंट में हो गई थी, तो इसी वजह से इस रेड हल्क को अभी तक वो चॉप नहीं मिला है। तो ये हल्क यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में है और ये यहाँ से पत्थर उठा उठा कर फेंक रहा है लॉस सैंटोस में, इसने पूरे लॉस सैंटोस का तहस नहस मचा दिया है, लेकिन अभी तक भी चॉप नहीं मिला है। अब गाइस देखो यार मुझे नहीं पता कि ये वीडियो आपको कैसी लगी होगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो यार आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दो, और चैनल पर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे थे तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दो, और चैनल पर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।